दोस्तों नमस्कार, मैं शिवराम सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्मार्ट पॉइंट पर। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं है, तो उसे हम जो है कैसे वेरीफाई कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि हमारा कौन से बैंक के अकाउंट में जो है लिंक है। मान के चलिए अगर आपका एक से अधिक बैंकों में अकाउंट है, तो हम कैसे जाने कि हमारा आधार कार्ड जो है कौन से अकाउंट पे लिंकड है जिसमें हमारी सब्सिडी वगैरह जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि अपना आधार कार्ड जो है ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन से बैंक अकाउंट में लिंक है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों फटाफट से जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दोस्तों आपको एक लिंक दिया, उस लिंक पे आप क्लिक कर लीजिए तो आप जो है सीधा जो है इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आप जो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और अगर आप मैनुअली चाहें तो uidai.gov.in डाल के, ये वाला वेब लिंक है, इसे डाल के आप जो है आधार कार्ड की जो ऑफिशियल साइट है इस पे आ जाइए और यहाँ पे आपको देखिए माई आधार का ये ऑप्शन मिल जाएगा। और माई आधार का ऑप्शन जब ये मिलेगा तो यहाँ पर देखिए एक लिंक आपको मिलेगा, चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस। तो इस वाले लिंक पे जो है आपको क्लिक कर लेना है। चलिए हम इस लिंक पे जो है क्लिक करके आपको दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे दो आधार कार्ड हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि जो लिंक नहीं है उसमें आपको कैसे मैसेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक आधार नंबर डाले दे रहे हैं, पहले आधार नंबर दे दिया, इसके बाद कैप्चा देंगे। कैप्चा देने के बाद जो है हम सेंड OTP पे क्लिक कर लेंगे। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद जो हमारा OTP है वो हमारा जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो हमारा आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है। तो हमारे पास OTP आ गया है, इसमें हम OTP एंटर कर देंगे। OTP एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैसेज हमको दिखाई दे गया है, योर आधार इज नॉट लिंक्ड टू ए बैंक, यानी कि ये आधार नंबर किसी भी बैंक अकाउंट में जो है लिंक नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने किसी बैंक में दिया है और इस तरीके से आपको दिखा रहा है, तो आप एक बारी जाके जो है बैंक में जो है संपर्क कर लीजिए और उनको बोलिए कि हमारा आधार अभी तक जो है लिंक नहीं है। और अगर आपका आधार लिंक है तो आप कैसे देख पाएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और अगर आपका आधार लिंक होगा तो अभी मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम जो है दोबारा से नीचे आते हैं और यहाँ पर जो है आधार नंबर डालते हैं अपना। आधार नंबर डालने के बाद जो है ये फिर से हम कैप्चा डालेंगे, जो ये सामने आपको दिख रहा है ये कैप्चा हम आगे डाल देंगे। और इसके बाद जो है सेंड OTP पे हम क्लिक कर लेंगे। OTP हमारे पास आ चुका है, चलिए हम OTP यहाँ पे जो है एंटर कर दे रहे हैं। OTP एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। आपको दिख रहा होगा आधार नंबर आपका, ये लास्ट की 4 डिजिट दिखेगी और बैंक लिंकिंग स्टेटस जो है आपका एक्टिव दिखाई देगा और कब लिंक हुआ आपका ये भी दिखाएगा। यहाँ पे देखिए 4/7/2017 में ये जो हमारा लिंक हुआ इस वाले अकाउंट पे। और कौन सी बैंक में लिंक है तो आपको यहाँ पे नीचे सबसे दिख रहा होगा एटा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, तो इस बैंक में हमारा जो है ये आधार कार्ड लिंकड है। यहाँ पे इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, आपको जो यहाँ पे बैंक दिखाई दे रही है ये आपको वो बैंक दिखाई देगी जहाँ पे आपने लास्ट टाइम जो है अपना लिंक कराया होगा। कहने का मतलब है अगर आपका स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल में, कैनरा बैंक में कई जगह अकाउंट है तो यहाँ पे आपको स्टेटस उसका दिखाएगा जिसमें आपकी सब्सिडी जा रही होगी। मान के चलिए आप कोई सिलेंडर वगैरह उठाते हैं और उसकी जो सब्सिडी वगैरह होती है तो आपके कौन से अकाउंट में जा रही है वो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे जो अकाउंट दिखाई देगा, समझ लीजिए आपका जो है सब्सिडी वाला पैसा उसी बैंक अकाउंट में जा रहा है। यहाँ पे आपको वो बैंक दिखाई देगी जहाँ पे आपने लास्ट टाइम जो है अपडेट कराया होगा। तो यहाँ हमने जो है लास्ट टाइम जो है एटा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है इसमें हमने अपडेट करवाया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमें दिखा दिया है इसने कि आपका जो आधार कौन सी डेट में लिंक हुआ था और जो है कौन सी बैंक में है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्टेटस एक्टिव है। तो कहने का मतलब ये, इस तरीके से आप जो है अपना आधार कार्ड लिंकिंग चेक कर सकते हैं कि लास्ट टाइम हमारा कौन से बैंक अकाउंट में मैप हुआ है या हमारी सब्सिडी जो है कौन से बैंक अकाउंट में जा रही है। क्योंकि क्या होता है जब 4-5 बैंकों में अकाउंट होता है तो खुद कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि हमारा कौन सी बैंक अकाउंट में जो है सब्सिडी का पैसा जा रहा है। तो यहाँ से आप जो है उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो है कौन सी बैंक अकाउंट में जा रहा है। तो अब आपको जैसा कि यहाँ पे दिख गया है आपका कोई भी बैंक यहाँ पे दिखता है तो आप उस बैंक में चेक कीजिए, आपका सब्सिडी का पैसा वहीं पर जा रहा होगा। तो इस तरीके से जो है आप अपना जो है आधार कार्ड चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है कौन से बैंक अकाउंट में लिंक है। बहुत छोटा सा स्टेप है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है। तो आई होप दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको सही लगी होगी। वीडियो की जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक से जरूर करना और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उस दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिए जिससे कि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा।
तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।